मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाय फ्रेंड, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका फ्रिज कूलिंग नहीं हो रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट काम यही करना है कि ये रिले बाजार से जाके चेंज करना है। रिले के ऊपर एलपी भी रहता है, ये तो ख़राब होने का प्रॉब्लम आता नहीं, ज़्यादातर रिले ही ख़राब होता है। तो इस रिले को आप जाके बाजार से लेके आके आपके फ्रिज के अंदर डाल दीजिए। अगर आप ये फ्रिज में डालने के बाद में भी, सबसे पहले आप ये देखिए, मेरा जो स्क्रीन पर फोटो दिख रहा है, इसके डब्बिया के अंदर ये रिले एलपी लगा रहता है। इसको आप संभाल के निकाल के बाजार से लेके आइए और डाल दीजिए, आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। ये 60 से 70 रुपए के अंदर आपको बाजार में मिल जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपका नया रिले लाने के बाद भी आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, तो इस नए रिले को आप कैसा ठीक करें, कैसा अच्छा करें कि ये नया रिले आपका काम करने लग जाए, और इसको कैसा चेक करें कि ये ख़राब है। अगर बाजार से आप नया रिले लाने के बाद भी और ये आपका कंप्रेसर ठंडा नहीं हो रहा है, कूलिंग नहीं हो रहा है, आपकी फ्रिज कूलिंग नहीं हो रही है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है ये नया रिले लाने के बाद भी, तो इस नए रिले को आप कैसा ख़राब है कि अच्छा है पता करें, और इसे कैसा रिपेयर करें, और इसे नए, अगर ये ख़राब है नया रिले, तो इसे आप कैसा बना के वापस से इसे अपने कंप्रेसर में अटैच कर सके, और कैसा पता करें कि ये नया वाला रिले ख़राब है। तो इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसा इस प्रॉब्लम को हटाएं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अभी आपको इस वीडियो में मैं बताता हूँ इसे कैसा, नया रिले आपका ख़राब है तो इसको कैसा ठीक करके आप इसे बना सकते हैं। अभी देखिए कंप्रेसर कितना गर्म हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसका रिले ख़राब हो गया है। अभी हमने इसमें से रिले निकाले, ये रिले जल गया देखिए, जिसकी वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, कूलिंग नहीं हो रही है। ये हमने बाजार से नया वाला रिले लाए, अभी हम इसे डाल के चेक करेंगे कंप्रेसर स्टार्ट होता है क्या। अभी हम इसे फिटिंग कर दिए, अभी चेक करते कंप्रेसर स्टार्ट होता है क्या। कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी हम इस रिले को खोल के देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है। इसे आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे साइड से प्रेस करेंगे तो ये खुल जाता है। अभी आप इसमें देखिए, इसमें स्टील की एक राउंड प्लेट है। अभी इसमें ये क्यों नहीं चल रहा है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। अभी मैं आपको नज़दीक से बताता हूँ, इसके अंदर पिले है जिससे पट्टियाँ इसमें टच नहीं हो रही थी और ये काम नहीं कर रहा था। आपको नज़दीक से और बता दो, ये देखिए इसमें पिले हो गए, ये पट्टी टच नहीं है। अगर इसको दबा देंगे तो पट्टी टच हो जाएंगी और कंप्रेसर काम करेगा, यानी इसके अंदर जो भी मेन चीज़ है यही प्लेट है, स्टील की दिख रही है। दिखने में स्टील कैसी है, कोई अलग ही कार्बेट जैसे बनी हुई है। देखो मेरे ये जूने वाले पीस में जो था ओरिजिनल वाला, उसमें से टुकड़े हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ओरिजिनल वाले में ही डाल देंगे, क्योंकि ओरिजिनल वाले की प्लास्टिक अच्छी रहती है, वो जल्दी पिघलेगी नहीं। तो वो जो स्टील का खाली टुकड़े हो गए वो अपन निकाल के वो राउंड वाली प्लेट इसमें डाल देंगे। अभी देखिए हमने इसमें से राउंड वाली प्लेट निकाल दी नए वाले में से, अभी ओरिजिनल वाले में डाल रहे हैं। ओरिजिनल वाले में इसके लिए डाल रहे ताकि ये इसका प्लास्टिक और अच्छा क्वालिटी का तो ज़्यादा दिन तक चलेगा, नहीं तो हमारा नया लाइला भी यूज़ हो सकता है। ओरिजिनल में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर आपका ओरिजिनल अच्छा है तो। अगर ख़राब हो गया तो आप नया रिले डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ही यूज़ कर सकते हैं। इसका प्लेट इसके अंदर डाल दीजिए प्रेस करके, देखो कितना टाइट जा रहा है ओरिजिनल वाले में। अभी हम कंप्रेसर स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्रेसर की आवाज़ आ रही है। हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, इसका मतलब हमारा कूलिंग होना चालू हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।